हेलो, गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल। तो आज का जो प्रैक्टिस सेशन है आपका, जो संडे को हम डील कर रहे हैं, प्लीज़ स्टूडेंट्स, ये जो प्रैक्टिस सेशन है ये रीसेंट पेपर्स का है। तो अब जो ये प्रैक्टिस सेशन है इसको जो है आप जरूर देखिए, एंड तक देखना, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन में ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आप इससे जो है आपके क्वेश्चंस को पता चल जाएगा कि आपको कितना आता है। तो जिनके आने वाले एग्जाम्स हैं वो इन चीज़ों को जरूर फोकस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए शुरू करते हैं आपका सेशन। ये हाल ही में आए हैं, आपको कोड भी पता चल जाएगा, तो इन क्वेश्चंस को जरूर देखिए कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। बुद्धा, दिस इज़ द हिस्ट्री सेशन। बुद्धा डाइड ड्यूरिंग द रीन ऑफ, जो बुद्ध थे गौतम बुद्ध, वो किसके शासन काल में मरे थे? आपके अजात शत्रु, ठीक है, अजातशत्रु, उदयन, या फिर आपका बिंबिसार, तो अगर या नन ऑफ दीज। तो देखिए, बुद्धा कब डाइड हुए थे? अगर बिंबिसार इज द फाउंडर ऑफ हरियाणक डायनेस्टी, ठीक है, जो कब से कब तक चली? 544 से लेकर 412 तक, जिसमें 492 से लेकर आपका इनका बोल सकते हैं आप 544 से लेकर आपका 492 तक बिंबिसार थे। ही इनको सैन्या भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनके पास एक यही राजा थे जिनके पास स्टैंडिंग आर्मी थी। ये क्वेश्चन भी आता है। सेकंड क्वेश्चन आपका बनता है कि किसने प्रद्योत के पास, इन्होंने जो है जीविका को अवंती भेजा था किस राजा के पास, प्रद्योत, क्योंकि उनको जॉन्डस हुआ था। इन्होंने राजगृह को अपनी कैपिटल बनाया, तो ये नहीं है। और इन्होंने अपना एम्पायर जो है ना स्ट्रेंथ कैसे किया था, थ्रू मैट्रिमोनियल अलायंसेस। उदयन, उदयन ने जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसने जो है पाटलिपुत्र बनाया, ठीक है, पाटली राजगृह से पाटलिपुत्र कैपिटल किसने की? उदयन। उसके बाद बहुत आए, तो लास्ट रूलर वॉज द नाग दशक, उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी आई है। तो बुद्धा किसके टाइम पे मरे थे? अजात शत्रु के टाइम पे। अजात शत्रु के टाइम पे जो है बुद्धा की डेथ हुई। अजात शत्रु ने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, उसने वज्जी पे जो है विजय पाई थी, कितने साल बाद? 16 ईयर्स बाद। इसमें जो उनको सपोर्ट किया था, उन सपोर्ट के बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि कौन कौन थे। एक था आपका जो सपोर्टर्स थे इनके, सबसे पहला सुमिधा, सुनिधा एंड समिका, सुनिधा एंड समिका जो इसके मिनिस्टर्स थे। रथ, दैट इज़ योर चैरियट, ठीक है। और एक था इसका महाशिलाकंठ, महाशिलाकंठ, दैट इज देयर एनर्जी, ठीक है। इसके बेसिस पे जो है इन्होंने वज्जी पे जो है कहते हैं विजय पाई थी। तो अजात शत्रु जिनके टाइम पे बुद्धा मरे थे। बराबर केव्स वर यूज फॉर द शेल्टर ऑफ, बराबर गुफाएं जो हैं ये कहाँ पे हैं? ये बिहार में हैं। तो ये किससे रिलेटेड है, किसको जो है आश्रय देने के लिए उपयोग में करती हैं? तांत्रिक, जैन्स, अजीविकास या थारस? ना थारू, ना जैनास, ना तांत्रिक, आंसर इज अजीविकास। अजीविकास जो है दे आर रिलेटेड टू बुद्धिज्म एज वेल एज जैनिज्म। जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों को फॉलो करती है ये अजीविकास, ठीक है। इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन मिलिट्री रिक्रूटमेंट वॉज बींग लुकड आफ्टर बाय, जो मुगल प्रशासन था उसमें जो उसकी सैनिक भर्ती थी वो कौन देखता था? वजीर, वजीर जो था दैट शोज रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ठीक है। कोतवाल जो था ये आपका लॉ देखता था, डिस्ट्रिक्ट के लॉज, ठीक है। दीवान जो था, दीवान आप इसको बोल सकते हो, ये आपका जैसे खर्चे, इन चार्जेस ऑफ इनकम्स, जो इनकम्स आती थी उनका इंचार्ज था प्रोविंसेस का, तो आंसर इज बख्शी। और इसको अपॉइंट कौन करता था? मीर बख्शी, ठीक है। तो मिलिट्री डिपार्टमेंट किसके पास था? बख्शी के पास। तो दीज आर योर हिस्ट्री क्वेश्चंस और ये रिसेंटली आए हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको देखिए, बख्शी पूछा है तो आपसे कोतवाल पूछ सकते हैं, सिपे सलार पूछ सकते हैं, आपसे वजीर पूछ सकते हैं। मुगल सल्तनत को अच्छे से पढ़ के जाइए, दिल्ली सल्तनत को अच्छे से पढ़िए, मराठास को अच्छे से पढ़िए, और रिवोल्ट ऑफ 1857 टू 1947 का कंसेप्ट पूरा पढ़िए। ये क्वेश्चंस पूरे आ सकते हैं। वाइस राइज पढ़िए, जो मेजर टॉपिक्स हैं हिस्ट्री के जिनके पेपर्स आने वाले हैं, जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड वेदास।
अगर आप ये चीज़ कर लेते हो आपका मैक्सिमम हिस्ट्री कवर हो जाएगा. दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट टास्क जो आप कर सकते हो और दीज टॉपिक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग जिसको आप शुरू कर सकते हो. लास्ट में जाना साउथ डक्कन वाले पार्ट पे. साउदर्न जो हिस्ट्री है आपकी, जो साउदर्न पार्ट है, जैसे राष्ट्रकूट्स, ये चोलास, पांड्यास, इन पे बात पे जाना, क्योंकि ये इतनी जल्दी याद नहीं होते. दिल्ली सल्तनत, मुगल सल्तनत, 1857 से 1947 का रिवोल्ट, ये सारे अगर आप सेक्शंस कर लोगे तो आपका आधा हिस्ट्री कवर हो जाएगा और इजीली कवर होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं पॉलिटी के. विच इज़ नॉट अ बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हाल ही में पेपर हुआ है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है. तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जिनके पास पेपर्स हैं, रीसेंट पेपर्स जिसमें ऐसे वाटर मार्क ना हो, तो प्लीज़ मेरे साथ मेरी मेल आईडी जो है आपकी पूजा गुप्ता, दिस इज स्मॉल पूजा, यहाँ पे लिख देती हूँ, पूजा गुप्ता 3301@gmail.com, आप इस पे भेज सकते हो. जिनका भी पेपर होता है वो पूजा गुप्ता 3301, ये स्मॉल है पी, ठीक है, स्मॉल पी स्मॉल जी, तो आप इस पे भेजिए. आपके जो भी पेपर, जिसका भी पेपर होता है भेजिए, मैं आपका पेपर भी डिस्कस करना चाहूँगी और साथ ही साथ आपके जो हैं उनसे रिलेटेड रिवीजन सेशंस भी लाऊंगी. ठीक है, तो विच इज़ नॉट द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेजिडेंशियल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. तो ये कौन थे जिसने जो है कह सकते हैं कि हमारे संविधान, हमारा संविधान कब बना था, 2 साल 18 महीने 11 दिन लगे थे बनने में. ठीक है, 26 नवंबर 1949 में जो है इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी और 26 जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना. कहाँ से लिया गया है, यूएस से. दिस इज़ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो ये आया किसके बेसिस पे था, कैबिनेट मिशन प्लान 1946. कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी किसने बनाई थी, मिस्टर अंबेडकर ने. तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. तो कौन सा फीचर नहीं है, देखिए, फेडरल गवर्नमेंट, दैट इज़ द डिवीज़न ऑफ पावर्स, यूनियन एंड स्टेट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, मेन इज़ द सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद आता है हाई कोर्ट, देन आपके सबॉर्डिनेट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट किसको बोल सकते हो, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो कि आपका लॉज बनाता है, जो आपकी गवर्नमेंट है, जिसको लोगों द्वारा चुना जा सकता है, तो ये नहीं है. तो इसमें जो सारे फीचर्स जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के, ये भी फीचर है, ये भी. सिर्फ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट नहीं है हमारी, हमारी गवर्नमेंट जो है वो लोगों द्वारा है, डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक है, दैट इज़ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. मेंबर्स ऑफ यूपीएससी कैन फंक्शन एज द मेंबर अप टू द एज ऑफ, यूपीएससी जो है आर्टिकल 315 से 323 तक चलता है, पार्ट 14. ठीक है, इसके चेयरमैन को कौन चुनता है, दैट इज़ प्रेसिडेंट. तो इसकी एज कितनी होती है, 60 इयर्स नहीं, 58 इयर्स नहीं, 65 या 62. देखिए 62 इयर्स हाई कोर्ट के मेंबर्स की होती है, जो मेंबर्स की एज होती है दैट इज़ 65. अभी जो है मेरे ख्याल से हमारे जो चेयरमैन यूपीएससी के हैं, मिस्टर प्रदीप कुमार है, पूरा नाम नहीं दिया मुझे, पर प्रदीप कुमार है. ठीक है, तो ये याद रखना कौन से आर्टिकल में आता है, कब तक चलता है. यूपीएससी में आर्टिकल 315-23, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी जो है इसके अंडर ही आता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, कोई पीछे रह तो नहीं गया. यस, व्हेन वाइस प्रेसिडेंट ऑफिशिएट्स एज अ प्रेसिडेंट, जब वाइस प्रेसिडेंट जो है ये ऑफिशिएट करते हैं, यानी आपके जो वाइस प्रेसिडेंट है जब प्रेसिडेंट की तरह बिहेव करते हैं, यानी जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो उसका वेतन कौन प्राप्त करता है. देखिए वाइस प्रेसिडेंट जो है दैट इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल कौन सा है, कहाँ से डील करता है, 63, और प्रेसिडेंट का आर्टिकल है 52, पार्ट 5. तो जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट एक्ट करेगा तो ये किस आर्टिकल में बात की जा रही है, आर्टिकल 65.
कि आर्टिकल 65 क्या कहता है कि अगर प्रेसिडेंट की सीट खाली है या फॉर अ टाइम बिंग वो वकेशंस में है तो उस टाइम पे देश को कौन देखेगा, वाइस प्रेसिडेंट, बट नॉट एज अ वाइस प्रेसिडेंट, एज अ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के थ्रू। तो उसकी जब वो राष्ट्रपति के थ्रू देखेगा तो सारी पावर्स, सब चीज़ें उसकी प्रेसिडेंट की होंगी, तब वो एक्स ऑफिशियल मेंबर राज्यसभा का नहीं रहेगा, तब वो प्रेसिडेंट है, मेन हेड वही है, तो उसके पास पावर सारी प्रेसिडेंट की है। तो वो क्या होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोथ प्रेसिडेंट, तो उसकी जो सैलरी होगी वो कैसे होगी, राज्यसभा की नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की नहीं, बोथ ANC नहीं, वो प्रेसिडेंट की ही सैलरी उनको मिलेगी, वो वाइस प्रेसिडेंट की, क्योंकि वो वर्क, जब आप प्रेसिडेंट का काम कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट के अलावा जब प्रेसिडेंट का काम कर रहे हैं दैट इज़ द नॉमिनल हेड, तो अगर फर्स्ट सिटीजन है तो उसके थ्रू काम कर रहे हैं तो उनकी सारी पावर्स जो हैं उस टाइम पे प्रेसिडेंट की पावर्स चलेंगी, उनकी जो बाकी पावर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी फॉर अ टाइम बिंग, जब तक वेकेशंस या वैकेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दीज आर द ज्योग्राफी, आप टेक्स्ट पे मत जाना, ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं आपके। द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन इंडिया वाज, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है इंडिया का वो कहाँ पे है, मेट्यूर डैम जो है ये तमिलनाडु में है, ठीक है, निजाम सागर जो है ये हैदराबाद तेलंगाना में है, ठीक है, तो ये नहीं है, रामागुंडम इज द कोल पावर प्लांट, ठीक है, तो ये नहीं है, आंसर इज शिवा समुद्रम जो कि कहाँ पे है, कर्नाटका, किस नदी पे है ये आपका, कावेरी, ठीक है, तो आंसर इज आपका शिवम समुद्रम। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्स रेनफॉल बाय नॉर्थ ईस्टर्न मानसून, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून के बेसिस पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल कौन लेता है, तमिलनाडु, असम, केरला या वेस्ट बंगाल। देखिए एक होते हैं साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, ये साउथ वेस्ट मानसून कहाँ से शुरू होते हैं, वेस्टर्न घाट्स, खासकर सबसे पहले केरला में, कब से चलते हैं, जून टू सितंबर, और अभी क्या चल रहे हैं हमारे साउथ वेस्ट मानसून, सितंबर के एंड तक फेड्स अवे हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं हमारे, इसको हम रीट्रीटिंग मानसून भी बोलते हैं, रीट्रीटिंग मानसून जो आपके अक्टूबर, घटते मानसून जो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक चलते हैं, ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर तक के रीट्रीटिंग मानसून, और इनको बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न मानसून। तो ये जब मानसून वापस जाते हैं तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है, तमिलनाडु यानी चेन्नई में, ठीक है, असम, केरला, केरला में सबसे पहले आती है, फिर असम और वेस्ट बंगाल, इन सब में जो है साउथ वेस्ट मानसून लगते हैं, तो आंसर जो आएगा वो आएगा तमिलनाडु। विच रीजन इज कवर्ड विद द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा क्या है, अरावली इज द ओल्डेस्ट माउंटेन्स, कौन सी टाइप पूछी जा सकती है, दैट इज़ द ब्लॉक माउंटेन्स, कौन सा पीक है, दैट इज़ द गुरु शिखर पीक इज़ द हाइएस्ट पीक, तो ये क्वेश्चन नहीं है। विंध्याचल, विंध्याचल जो है दैट इज़ द विंध्यास पर्वत, ये ज़्यादातर आपके मध्य प्रदेश, राजस्थान इस साइड पे आते हैं, इसकी जो हाईएस्ट पीक है दैट इज़ कॉल्ड सद्भावना, सतपुड़ा रेंज भी इसके साथ ही लगती है, MP का एरिया भी कवर करती है, तो सतपुड़ा की जो हाईएस्ट पीक है दैट इज़ धूपगढ़, ये पूछी जा सकती हैं, गुरु शिखर अरावलीज के हैं। ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स आर नॉट द कंटिन्यूस रेंज, ये टूटे टूटे पार्ट्स हैं, तो ईस्टर्न घाट्स में होते हैं सेमी ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट भी बोल सकते हो आप, इसकी दो पार्ट्स हैं, ईस्टर्न घाट्स के नॉर्दर्न सरकार्स और आपके कोरामंडल कोस्ट बनती है, ठीक है, तो ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है, अरमाकोंडा, जिंजगाड़ा पीक भी बोलते हैं अरमाकोंडा, पहले थी महेंद्रगिरी अब नहीं है। वेस्टर्न घाट्स जिसको सियादरीज भी बोलते हैं, ठीक है, और इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, अनायमुड़ी, तो सबसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन से हैं आपके, वेस्टर्न घाट्स। विच इज़ नॉट द रबी क्रॉप, रबी क्रॉप का मतलब क्या होता है, जो सितंबर से लेकर आपकी अप्रैल, बेसिकली अप्रैल तक चलती है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ विंटर क्रॉप, ठीक है, तो वीट रबी क्रॉप है, जौ रबी क्रॉप है, रेप सीड्स ये भी रबी क्रॉप है, तो जो रबी क्रॉप नहीं है वो है जूट, जूट इज़ अ खरीफ क्रॉप,
खरीफ क्रॉप कब लगती है? ये लगती है आपकी अप्रैल से लेकर सितंबर तक। सितंबर में इसकी कटिंग हो जाती है, फिर आपकी अक्टूबर से शुरू हो जाती है। तो दिस इज़ द समर क्रॉप। जैसे भुट्टा, मक्की, वो भी आपकी समर क्रॉप है। वेयर इज़ इंडियाज़ मोस्ट प्राइज टी ग्रोन, सबसे ज़्यादा सबसे महंगी वाली चाय कहाँ पर लगती है? जौहर आसम में है। आसम जो है ये मुगा सिल्क के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। आसम में जो है टी भी बहुत फेमस है, एज इज़ द ब्लैक टी। नीलगिरी चाय जो है ये है तमिलनाडु में, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है। आंसर इज़ दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कहाँ पे? वेस्ट बंगाल के पास में जो पड़ता है। दिस इज़ द मोस्ट प्राइस, सबसे महंगी वाली चाय जो है दैट इज़ आपकी दार्जिलिंग में पड़ती है। सबसे ज़्यादा महंगी चाय जो है ये आपकी है दार्जिलिंग। ये थे सारे ज्योग्राफी के सेशंस। ये आपका एक जनरल अवेयरनेस का सेशन है, दिस इज़ ऑल्सो ए जनरल अवेयरनेस, क्योंकि आपका जनरल अवेयरनेस से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जनरल अवेयरनेस से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जो आपका रामागुंडम था वो आपका पड़ता है तेलंगाना में, ठीक है। तो अगर हम बात करें आपकी इसकी, ये आपके स्टैटिक जीके के पार्ट्स हैं। तो स्टैटिक जीके भी आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी से कई पेपर्स में 10 क्वेश्चंस हैं, कईयों में 8 क्वेश्चंस हैं। स्टैटिक जीके के 10 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इन स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को जरूर देखिए, क्योंकि कई क्वेश्चंस इसमें से रिपीट हो सकते हैं। तो ब्रिक, द एक्रोनियम ऑफ ब्रिक वॉज कंसीव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? एम एस स्वामीनाथन इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया 1969। और वैसे वर्ल्ड का ग्रीन रेवोल्यूशन के फाउंडर कौन से हैं? नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। एडम स्मिथ, इनको फादर ऑफ, इन्होंने जो है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, इसकी फाउंडेशन, इसकी जो कौन लेकर आया था, इसके बारे में डिस्कस किसने किया था? एडम स्मिथ। तो ये भी नहीं है। आंसर इज गोल्डमैन सैश। गोल्डमैन सैश जो था ये था ब्रिक का, जिसने आइडिया लिया था ब्रिक 2001। तब साउथ अफ्रीका नहीं था इसके साथ इंक्लूडेड, साउथ अफ्रीका जो है इसके साथ इंक्लूडेड नहीं था। 2001 में ये बना था, तो उस टाइम पे देखिए ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, आज जो है हम बोलते हैं ब्रिक्स, तो उसमें क्या है? एस इज साउथ अफ्रीका। द कॉयर बोर्ड इज एन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैचुटरी बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी जैसे इसका एग्जाम्पल है नीति आयोग, ठीक है। एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ जो हैं उनको हम बाय इसको स्टैचुटरी बना सकते हैं बाय लॉज। ना ही ये स्टैचुटरी है, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर इसको हमें स्टैचुटरी बनाना है तो इसको हमें इनैक्टमेंट करना पड़ेगा लॉ के साथ, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रिएट किए हैं, जैसे अटॉर्नी जनरल, कैग, आपका यूपीएससी, ये सारी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है। दिस इज़ द स्टैचुटरी बॉडी। और ये स्टैचुटरी बॉडी जो है कॉयर बोर्ड, जो कॉयर बोर्ड जो है ये कॉयर प्रोडक्ट्स ऑफ जो कि किससे बनते हैं? कोकोनट से बनते हैं। तो इट्स अ स्टैचुटरी बॉडी। विच इज़ द मेटालिक मिनरल? इसमें से मेटालिक मिनरल क्या है? बॉक्साइट इज़ द ओर ऑफ एल्यूमिनियम, क्रोमाइट, कॉपर, ये सारे मेटालिक मिनरल्स हैं। द आंसर इज ऑल ऑफ दीज। लाइमस्टोन इज विच टाइप ऑफ अ रॉक? लाइमस्टोन क्या है? देखिए इग्नीशियस रॉक, पेरेंट रॉक इज इग्नीशियस। इग्नीशियस का मतलब होता है फायर, जो किससे मिलती है? कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मगमा या लावा। लावा से, जो अर्थ से लावा निकलता है या मगमा निकलता है, उसका ठंडा होना और उसके गर्म होने से जो क्रिस्टल्स बनते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इग्नीशियस रॉक। इग्नीशियस रॉक का एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो दैट इज़ ग्रेनाइट। सेडिमेंट्री रॉक जो है दैट इज़, सबसे पेरेंट रॉक है आपकी इग्नीशियस। इग्नीशियस के बाद बनती है सेडिमेंट्री रॉक। ये सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं बिकॉज ऑफ कंप्रेशन या फिर इसकी डायजेनेसिस और लिथिफिकेशन के बाद जो है सेडिमेंट्री रॉक्स, और फिर सेडिमेंट्री रॉक्स के बाद बनती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। अगर हम सेडिमेंट्री रॉक्स को अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर रखेंगे तो दैट चेंजेस इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। तो आपका जो सेडिमेंट्री रॉक है ये है आपका लाइमस्टोन, ठीक है।
ठीक है, तो लाइमस्टोन इज द एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक. मेटामॉर्फिक का एग्जाम्पल होता है मार्बल, नीज भी होता है ग्नीज. ठीक है, तो ये याद रखना कि इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि लाइमस्टोन किसका एग्जाम्पल है, सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं, जैसे ये पेरेंट रॉक है, इसको अगर आप दबा दोगे, लिथिफिकेशन इसकी, डायजेनेसिस करोगे, तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स में चेंज हो जाएगा. और जब हम सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर को हाई टेम्परेचर और प्रेशर देंगे, दैट चेंजेस इंटू मेटामॉर्फिक रॉक. टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया इज, हाई कोर्ट्स जो हैं हर स्टेट में होती हैं, तो हमारे टोटल भारत में कितनी हाई कोर्ट्स हैं, दैट इज 25 आज तक की. विच इज़ द नियरेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स ऑफ इंडिया? देखिए, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस इंडिया एंड पाकिस्तान में है. CISF, तो CISF जो था ये आपका बना था, जिसको आप बोल सकते हो 1969 में. ठीक है, तो ये नहीं है. CRPF, इसको जो पहले बोलते थे क्राउन, ठीक है, पुलिस फोर्स, जो बनी थी 1949 में. ठीक है, और ये सबसे बड़ी फोर्स है. उसके बाद आपकी जो है ये CRPF, तो ये नहीं है. BSF जो है ये 1965 में बनी थी. ठीक है, 1949 में इसको CRPF का नाम दे दिया, 1939 में ये जो थी आपकी क्या बनी थी, CRPF. सबसे न्यूएस्ट जो है दैट इज़ द सहस्त्र सीमा बल, जो इंडिया नेपाल बॉर्डर्स और इंडिया भूटान बॉर्डर्स के पास रखी गई है. ये सारे स्टैटिक जीके है, तो स्टूडेंट्स स्टैटिक जीके पे फोकस रखना. ठीक है, कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपने सोचे भी नहीं होते कि ये तो कौन करेगा. ठीक है, नाउ कम्स द साइंस सेशन. सन हीट्स अर्थ बाय, इसके द्वारा सूर्य जो है किस अर्थ को कैसे गर्म करता है. बहुत सिंपल सी चीज़ है कि सन जो है आपका किसके बेसिस पे गर्म करता है. रेडिएशन, स्कैटरिंग, कंडक्शन या कन्वेक्शन होता है लिक्विड्स में, फ्लूइड्स में होता है, लिक्विड्स एंड गैसेस में. कंडक्शन बेसिकली डील्स विद द सॉलिड्स. स्कैटरिंग इज द लाइट का स्कैटर करना. ठीक है, वाइट लाइट का जब सेवन कलर्स में आता है स्कैटरिंग करना, दैट इज कॉल्ड आपकी स्कैटरिंग. तो आंसर, सन जो है वो रेज से गर्म करता है, तो रेज इज कॉल्ड रेडिएशंस. क्रायोजेनिक इज द स्टडी ऑफ, क्रायोजेनिक जो घटना है या क्रायोजेनिक किसकी स्टडी है, अत्यधिक तापमानों की नहीं, स्थिर तापमानों की नहीं, अनस्टेबल टेम्परेचर की नहीं. बहुत क्रायोजेनिक डील्स विद द लो टेम्परेचर. ठीक है, नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, धातुओं को उनके अयस्क से निकालना. ठीक है, अयस्क से निकालना क्या होता है, रिडक्शन नहीं, एक्सट्रैक्शन नहीं, आंसर इज मेटलर्जी. एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर इज कॉल्ड एज मेटलर्जी. ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज CaCO3. कैल्शियम स्लेक्ड लाइम बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्साइड को. कैल्शियम क्लोराइड नहीं, आंसर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट इज CaOCl2. ठीक है, ये ब्लीचिंग के लिए यूज होता है, डिसइंफेक्टेंट भी यूज होता है. नाउ नेक्स्ट कम्स आपका फेवरेट हिमाचल सेशन. ये अभी क्वेश्चंस ये रिसेंटली पेपर में आए हुए हैं, तो इसको डील करते हैं. थिरॉट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? थिरॉट, रावी पे तो है होली प्रोजेक्ट, होली बंदोली प्रोजेक्ट. ठीक है, रावी पे चमेरा डैम भी है, रावी का नाम पुरुषनी इरावती भी है. रावी कहाँ से निकलती है, बड़ा बंगाल और खेरी से जो है वो कहते हैं माधोपुर में एंटर करके जम्मू कश्मीर में एंटर करती है. ब्यास, ब्यास कुंड से निकलती है, विपाशा भी बोलते हैं, अरिचकिया भी बोलते हैं. ठीक है, ब्यास जो है आपकी कहा जाता है, ब्यास कहाँ कहाँ बहती है, कांगड़ा में बहती है, आपकी मंडी में बहती है, और आपकी हमीरपुर में भी आती है. ठीक है, बट ब्यास जो है ये पंजाब में कहाँ से मिक्स निकलती है, मुरथल, कांगड़ा में संधोल. ठीक है, तो ये नहीं है आंसर. सतलुज, सतलुज जो है ये बाहर से निकलती है, एकमात्र रवि नदी जो राक्षस ताल से होती हुई, शिप किला से होती हुई सबसे पहले किन्नौर,
फिर शिमला में चौड़ा से एंटर करती है, बिलासपुर में कसोल से एंटर करती है और नीला से बाहर निकलती है। भाखड़ा नंगल डैम इस पे बना है। गोविंद सागर झील जो है एकमात्र हिमाचल की आर्टिफिशियल झील किस पे बनी है, गोविंद सागर पे बनी है। और सतलुज जो है इसको शतादरु भी बोलते हैं, तो ये नहीं है। आंसर इज आपका चेनाब। तो चेनाब जो है लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ये है असिकिनी इसको बोलते हैं, चंद्रा और भागा से बनी है। सतलुज के उस पे जो है आपका कोल डैम जो है वो सतलुज पे है। और इसको एक और चीज़ बोलते हैं कहाँ पे है, बरमाना एनटीपीसी से लिया गया। ब्यास पे सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है पार्वती, लार्जी प्रोजेक्ट भी ब्यास पे बना हुआ है। द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ HP इज, देखिए लॉन्गेस्ट हाईवे जो है आपका NH 103 जो है ये हमीरपुर से घागस चलता है, तो आपका ये कैंसर। 905 जो है 105 ये पिंजौर से स्वार घाट, ठीक है, तो ये नहीं है। NH 3 जो है दैट इज कवर्स 318 किलोमीटर्स का डिस्टेंस, जो जलंधर से लेकर मनाली तक चलता है, ठीक है। NH 5 326 कवर करता है किलोमीटर्स, मोर देन 0.75, जो चलता है आपका चंडीगढ़ टू शिपकिला। तो सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा हुआ, NH 5। ये एक बार पेपर में पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। बहादुरपुर फोर्ट इज लोकेटेड एट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के किस जिला में बहादुरपुर किला अवस्थित है। सोलन, सोलन में जो है आपका माउंट केरोल इज द हाईएस्ट पीक, जटोली टेम्पल इज द हाईएस्ट टेम्पल, ठीक है, तो ये नहीं है। शूलिनी टेम्पल के नाम से इस पे पड़ा है। सिरमौर, सिरमौर पे जो है चूड़धार की पहाड़ियाँ, ठीक है, तो ये नहीं है। आपका ऊना नहीं, ठीक है, ऊना में जो है ज़्यादातर आप चिंतपूर्णी धार बोल सकते हो, चिंतपूर्णी धार, चिंतमस्तिका टेम्पल भी है। बहादुरपुर फोर्ट जो है ये बहादुर सिंह ने बनाया था, ठीक है, तो आंसर इज आपका बिलासपुर, ठीक है, तो ये जो है आपका बिलासपुर जो है ये बहादुर विजयी चंद ने, सॉरी बहादुर सिंह नहीं, विजयी चंद ने जो है यह आपका बहादुरपुर फोर्ट बनाया था, कहाँ पे, बिलासपुर में। हरी राय टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, हरी राय टेम्पल कहाँ है, मंडी में कौन सा टेम्पल है, भूतनाथ टेम्पल अजबर सेन ने बनाया। माधोराव की जलेब सूरत सेन ने बनाया। पंचवक्त्र टेम्पल सिद्ध सेन ने बनाया, ठीक है। मंडी इज नोन फॉर छोटी काशी ऑल्सो, शिव धाम भी बोलते हैं इसको। कांगड़ा, कांगड़ा में कौन सा टेम्पल है आपका, कांगड़ा में जैसे चामुंडा टेम्पल भी है, कांगड़ा में आपका कह सकते हैं दलाई लामा का जो है दलाई मैक्लोडगंज फेमस है, तो कांगड़ा में जो है आपके कांगड़ा इस किस रेंज में रहता है, धौलाधरी, तो कांगड़ा में कौन सा है, मसरूर रॉक टेम्पल जिसको अलोरा ऑफ हिमाचल कहते हैं। ब्रिजेश्वरी टेम्पल जिसको किसने लूटा था, गजनवी ने लूटा था, फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी लूटा, तो ये नहीं है, ठीक है। कुल्लू, कुल्लू में कौन कौन से मंदिर है, जैसे दशहरा रघुनाथ का मंदिर, हिडिम्बा मंदिर, मनु टेम्पल, ये सारे कुल्लू में है। आपका कहते हैं विश्वेश्वर टेम्पल, ये सारे टेम्पल्स जो हैं आपके वहाँ पे, अभी लाइटनिंग वाला टेम्पल है, बिजली महादेव, ये सारे कुल्लू में टेम्पल्स हैं। तो हरी राय टेम्पल जो है ये कहाँ पे है, चंबा में, किसने बनाया था, लक्ष्मण सेन ने, लक्ष्मण सिंह ने, या लक्ष्मण वर्मन कर लो आप, ठीक है, इसने बनाया था। तो चंबा वैसे किसने बनाया है, साहिल वर्मन ने। इनके योगी गुरु कौन थे, चरपटनाथ, चकली जो था इन्होंने शुरू किया था, अपनी बेटी के नाम से इन्होंने जो है चंपा का नाम रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिकरण हॉट स्प्रिंग कहाँ पे है, सबसे बड़ा सबसे लार्जेस्ट हॉट वाटर स्प्रिंग कौन सा है, मणिकरण बहुत बार कर चुके हैं वैसे हम ये, मणिकरण हॉट वाटर स्प्रिंग जो है मणिकरण किस पे है आपका, मणिकरण पार्वती नदी पे। पार्वती नदी कहाँ से निकलती है, मंतलाई से, और ये कहाँ पे मिलती है आपकी, शमशी में जाकर, यानी भुंतर में जाकर ब्यास से मिलती है, ठीक है। तो लार्जेस्ट हॉट वाटर स्प्रिंग का है, मंडी में नहीं, ठीक है, मंडी इज़ फॉर तत्तापानी। कुल्लू,
यस आंसर इज कुल्लू, वशिष्ठ भी है, शिमला नहीं, चैडविक फॉल्स है यहाँ पे, और बिलासपुर नहीं। तो आंसर इज आपका हॉट वाटर स्प्रिंग कहाँ पे है, मणिकरण। लेडी ऑफ केलोंग, इसको लेडिंग ऑफ एलिशिंडेंगे भी बोलते हैं, एलिशिंडे, ठीक है। जिस ये कहा जाता है कि ये जो ग्लेशियर है, इट्स अ ग्लेशियर, हॉट वाटर स्प्रिंग नहीं है, ठीक है, हॉट वाटर स्प्रिंग नहीं है, ग्लेशियर है। माउंटेन पीक इज द गिफांग माउंटेन इज नोन एज द मैटरहॉर्न ऑफ स्विट्जरलैंड, आपका मनी महेश ऑफ लाहौर, ठीक है। आप इसमें जो है आप ग्लेशियर, तो ये जो लेडी ऑफ केलोंग है ये है ग्लेशियर कहा जाता है। सो इसलिए नाम दिया जाता है क्योंकि कहते हैं कि ये इस तरह से दिखता है कि जैसे एक वुमेन ने अपने बैग पीठ पे कोई पैच उठाया। तो अगर देखा जाए टेंपल, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो मृकुला देवी टेंपल जो है लाहौल स्पीति का, दैट इज़ फेमस, इट्स कॉल्ड एज उदयपुर, ठीक है। अब लौतिकेश्वर टेंपल जो है आपका पौड़ी फेस्टिवल, ये भी जो है आपका किस पे बेसिस पे है, उदयपुर पे ही है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। ये प्रताप वर्मन ने बनाया आपका मृकुला देवी टेंपल, ठीक है। हॉट वाटर स्प्रिंग नहीं है यहाँ पे। अगर बात करें ग्लेशियर की, तो सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, बड़ा शीगरी, और ग्लेशियर को वैसे क्या बोलते हैं हम लोकल लैंग्वेज में, शीगरी, ठीक है। देखिए ग्लेशियर्स याद कर लेना क्योंकि एक में दुधोधन भी पूछा था, मुल्किला ग्लेशियर भी पूछा है। फाउंडर ऑफ सिरमौर प्रिंसली स्टेट वॉज दिलीप चंद, नहीं, आपका राजेंद्र प्रकाश वॉज द लास्ट रूलर ऑफ आपका सिरमौर, जिसके टाइम पे पझोता आंदोलन, जिसके रूलर कौन थे, वैद सूरत प्रकाश, तो सूरत राम और मियाँ चूंचू। सिरमौर प्रजामंडल भी इसी के टाइम पे बना था, तो राजेंद्र प्रकाश नहीं है। अजबर सेन वॉज द फाउंडर ऑफ मंडी स्टेट 1526। सिंध जो सिरमौर के फाउंडर हैं, दैट इज कॉल्ड राजा रसालू, ये सुलकीना डायनेस्टी से थे। तो इसमें एक और क्वेश्चन बच्चे कंफ्यूज करते हैं, राजवन कैपिटल बनाने वाले थे शुभांश प्रकाश, अगर वहाँ पे होगा राजवन, ठीक है, तो शुभांश प्रकाश, उदित प्रकाश ने कालसी की थी, तो ये याद रखना, दिलीप चंद नहीं है। त्रिगर्ता इन द मॉडर्न पिनर्ट्स डिनोट्स टू, आधुनिक समय में त्रिगर्त क्या है, त्रिगर्त अकॉर्डिंग टू कनिंगम इज द रावी और सतलुज पार्ट, बट त्रिगर्त इज द पार्ट ऑफ रावी ब्यास सतलुज, सबसे पहले कौन आए थे 1615 में, थॉमस कॉरियट। वैसे त्रिगर्त को बनाने वाले उस टाइम पे थे भूमिचंद, जिनका कैप्चर कहाँ था, मुल्तान में। उसके बाद कांगड़ा बना, कांगड़ा जो था वो कब बना था आपका, इसको बनाने वाले थे सुशर्मा, ठीक है, जिन्होंने कौरवों का साथ दिया। तो कांगड़ा त्रिगर्त का नाम क्या था, कांगड़ा, इसको नगर कोट भी बोलते हैं। मंडी को बनाने वाले, मंडी आज का मंडी जो है वो दो स्टेट से बना है, मंडी और सुकेत। मंडी को बनाने वाले थे बाहुसेन, सुकेत को बनाने वाले थे बीरसेन, आज का मंडी है अजबर सेन के नाम से, ठीक है। कुल्लू, कुल्लू को बनाने वाले थे बिहिंगमिंग पाल, कैपिटल इज जगत सुख। और उसके बाद जो है नागर कैपिटल विशुद्ध पाल ने रखी, पाल डायनेस्टी के जो थे लास्ट रूलर कैलाश पाल, उर्दन पाल ने जो है इसकी कहते हैं संध्या देवी टेम्पल बनाया। तो आंसर इज कुल्लू, तो आंसर क्या आएगा, कांगड़ा। हु वॉज द लास्ट राजा ऑफ बुशहर स्टेट, बुशहर जिसको बनाने वाले थे प्रद्युमन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर जो है शमशेर प्रकाश, शमशेर सिंह, जिसने 1857 की क्रांति में ब्रिटिशर्स का साथ नहीं दिया, बुशहर ही एक रियासत थी जिसने ब्रिटिशर्स का साथ नहीं दिया। नारायण सिंह नहीं, शमशेर सिंह जिसने ब्रिटिशर्स का साथ नहीं दिया। वीरभद्र सिंह, कहते हैं पदम सिंह के बेटे कौन थे, वीरभद्र सिंह। तो लास्ट राजा अगर देखा जाए बुशहर रियासत का, पदम सिंह, ठीक है। बट अगर आज की स्टेज पे वीरभद्र जो थे वो एक पीढ़ी के राजा, इनको राजा माना जा सकता है। तो वीरभद्र सिंह जिनका हाल ही में देहांत हुआ है, तो लास्ट राजा ऑफ बुशहर स्टेट इज पदम सिंह। वैसे वो रामपुर को बिलोंग करते थे। तो अगर देखा जाए तो अब पेपर्स में किस तरह से क्वेश्चन आता है तो वो पता नहीं है, पर पदम सिंह वॉज द लास्ट रूलर, और वीरभद्र जो थे ये 235 पीढ़ी या
कुछ पीढ़ी है इनकी, तो इस हिसाब से जो है पदम सिंह, और हाल ही में जो है वीरभद्र सिंह का जो है देहांत हो गया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट राजा और कहते हैं सबसे दिग्गज नेता जो थे वही थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ What is the name of online event launched by the agriculture minister to promote innovation in agriculture? ये देखिए ये जो questions है ना, these are the questions belongs to January 2021. मैं आपको जो revision sessions है उनमें पिछले महीने के questions पे focus करना चाहूँगी ताकि आपकी कोई भी paper में आ सके। तो ये January के हैं, तो ये जो है एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है, इन्होंने जनवरी में जो है वर्चुअली, कहा जाता है एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, एक ऑनलाइन इवेंट लॉन्च किया था। तो आत्मनिर्भर एग्रीकल्चर, एग्री इंडिया हैकथन, किसान मेला या कृषि सम्मेलन, तो आंसर इज एग्री इंडियन हैकथन। किसने? नरेंद्र सिंह तोमर, जो आज भी हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। India's 40th scientific expedition to which destination is being fueled by Indian oil? कि India's की जो 40th scientific expedition है वो कहाँ पे होगी? Sentinel Islands, Mount Everest, Arctic Ocean या Antarctica? तो answer is Antarctica। जिसका जो fuel है वो कौन करेगा उसको? Indian oil। रिवाड़ी मदार सेक्शन विच वॉज रिसेंटली इनेगोरेटेड इज अ पार्ट ऑफ विच इंडियन कॉरिडोर? जो आपका रिवाड़ी मदार सेक्शन है, ठीक है, रिवाड़ी मदार सेक्शन जो है दैट इज़ ये किसने लॉन्च किया है? ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था, ठीक है, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। तो ये क्या है? आपका वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कोर, ये जो है आपका, ये आपका कहाँ से चलेगा? हरियाणा टू राजस्थान, दैट फॉर्म्स हरियाणा टू राजस्थान। तो ये क्या है आपका? वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉर्डर। किसने लॉन्च किया है? आपके प्राइम मिनिस्टर ने। डेजर्ट नाइट 21 विच वॉज मेकिंग न्यूज़ रिसेंटली इज द मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? नाइट 21 जो हाल ही में चर्चा में रहा है, भारत और किस देश के बीच में जो है सैन्य है, तो ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है दैट डील्स विद द एयर फोर्स सर्विसेज, ठीक है, एयर फोर्स, जिसमें जो है कौन कौन? इंडिया एंड फ्रांस। इंडिया से जो है रफाल, मिग, सुकोई, ये सारे जो हैं आपके डील किए जाएंगे। कहाँ पे? आपके जोधपुर पे, ठीक है। तो ये सारे जो हैं इनमें, ये मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट जो है इंडिया और फ्रांस के बीच में चली है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश का सेशन, ये हाल ही में पूछे गए इंग्लिश, आप टेक्स्ट पे मत जाना। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डैश सफरिंग, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मैस्टिकेट, मैस्टिकेट होता है चबाना, इंस्टिगेट होता है किसी को, कहते हैं ना उत्साहित करना बोलने के लिए, प्रोपिटिएट सरेंडर करना। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डैश द सफरिंग, मिटिगेट होता है इस सर्फ जो आप सफ़र कर रहे हो इससे इतनी जल्दी उभरना, दैट इज़ कॉल्ड उभरना, मिटिगेट। मीनिंग ऑफ idiom टू टेक द पीपल बाय storm, टू टेक द पीपल बाय storm, टू पुट पीपल इन utter surprise, to captivate them unexpectedly, to exploit people's agitation, to take the people by storm का मतलब होता है एकदम से अचानक कुछ हो जाना, that is to captivate unexpectedly. Synonym of ostentatious, ostentatious क्या होता है? ostentatious क्या का मतलब होता है? noisy नहीं, talkative नहीं, आपका wealthy नहीं, कुछ लोग दिखावे के लिए करते हैं कुछ, तो आजकल जैसे शोई बहुत चीज़ें हैं, तो ostentatious का मतलब होता है शो करना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द स्टडी ऑफ एशियन सोसाइटीज़, एशियन सोसाइटी, हिस्ट्री फॉर पास्ट इवेंट्स,
एंथ्रोपोलॉजी होता है जो स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर, एथनोलॉजी जो होती है डिफरेंट पीपल्स, तो आंसर इज आर्कियोलॉजी. प्रतिपल में श्वास कौन सा है? प्रतिपल, अव्ययी भाव, द्वंद या तत्पुरुष? तो इसका आंसर होगा आपका अव्ययी भाव. मैं हिंदी के लिए फिर से बोलूँगी कि हिंदी में अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप चेक कर लेना, ठीक है? तो आंसर इज अव्ययी भाव. मोर का क्या होगा? मलिन, जलद, केकी या तरुणी? तरुणी. नास्तिक में उपसर्ग क्या है? नास्तिक, तो आस्तिक का ऑपोजिट नास्तिक. न, पाँव पीटना मुहावरे का अर्थ क्या है? व्यग्र होना, सन जाना, गर्भ से होना या निश्चिंत रहना. पाँव पीटना मतलब सन जाना, रुक जाना, ठीक है? तो आज का सेशन ये था. देखिए, ये सारा जो जितना भी सेशन था ये आपका रीसेंट पेपर का है. रीसेंट पेपर्स में कोई अभी रीसेंट पेपर हुआ है आपके, उससे रिलेटेड है. तो ये सारे सेशन को देखो कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं. मैंने आपको एक चीज़ बता दी है कि दिल्ली सल्तनत, आपका जो मुग़ल सल्तनत है, हिस्ट्री सबसे ज़्यादा मैटर करती है. आपकी जैनिज़्म को पढ़ लीजिए, 1857 से लेकर 1947 पढ़ लीजिए, वाइस रॉयस पढ़िए, ठीक है? पॉलिटी में आप प्रेसिडेंट, जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं वो पढ़िए, पॉलिटी सबसे इजी होती है. ज्योग्राफी में आपको रिवर्स, माउंटेन्स, सॉइल्स, मिनरल्स, माइनिंग्स एंड एग्रीकल्चर, इन फैक्टर्स पे जाइए, ठीक है? स्टैटिक जीके को मत भूलना. स्टैटिक जीके के 10-10 क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो इस पेपर्स में जो है, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन पेपर्स को ज़रूर फोकस कीजिए. सेशन अच्छा लगा है अगर आपको, क्योंकि अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो रिकमेंड ज़रूर कीजिए. क्योंकि अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, या फिर मैं यही चीज़ बोलूँगी, अगर मेहनत दिख रही है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस चैनल को जितना हो सकता है रिकमेंड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए. ऑन फेसबुक पेज फॉलो मी एज अ पूजा गुप्ता पेज, उस पेज को भी लाइक कीजिए. ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता लेट्स लर्न विद मी, पूजा गुप्ता चैनल है एंड लेट्स लर्न विद मी ग्रुप है. तो आप उस पर भी कुछ भी नोटिफिकेशन डाल सकते हो, ठीक है? उसके बाद प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें. आपने कर लिया है, बाकियों को भी सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे एज वेल एज गुड नाइट. थैंक यू. पूजा गुप्ता लेट्स लर्न विद मी. स्टे सेफ, स्टे कूल एंड स्टे हेल्दी. एंड यूज योर, वीकेंड्स हैं तो बाहर जाना है तो यूज़ योर सैनिटाइजर्स, यूज़ योर मास्क एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड योर फैमिली टू फ्रॉम द कोविड-19. बाय बाय.